पूर्ण महेश्व दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 सितंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। सितंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता और बड़ी खुशखबरी इन 15 दिनों में मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलुओं के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन इन 15 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है और कम प्रयासों में भी आपको सफलता मिलने जा रही है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। सितंबर के शुरुआती 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर राहु देव आपके दशम भाव पर गुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं, वही केतुदेव आपके राशि के फोर्थ हाउस यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों शनि देव आपके राशि के अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं, वहीं इस समयावधि में मंगल देव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होकर आपके पराक्रम भाव यानी आपके थर्ड हाउस पर गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर शुक्र का गोचर होगा, वहीं आपके राशि के द्वितीय भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण सूर्य और बुध के द्वारा निर्मित हो रहा है। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर निर्मित रहने वाली है, बनी हुई रहने वाली है, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। इसमें 4 सितंबर से गुरु बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं और गुरु बृहस्पति वक्री होकर चूंकि अपनी शुभता में वृद्धि करेंगे तो इसका आपके जीवन में काफी शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो वही हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में पूर्ण रूपेण होने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्क राशि के करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी राशि का जो दशम भाव है, कर्म भाव है, काफी प्रभावी है, काफी बली बना हुआ है और दशम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके राशि के लिए मंगल बनते हैं। मंगल पराक्रम भाव पर काफी बेहतर स्थितियों में रहने वाले हैं, तो यहां पर कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही समस्याएं, चल रही चुनौतियां आपके जीवन में समाप्त होने वाली है। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। व्यापारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपके जीवन में सफलता देगा। कर्क राशि वाले जातकों, कर्म क्षेत्र के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यदि आपके जीवन में पूर्व समयावधि से ही व्यापारिक मामलों में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद सफलता कम मिल रही है, अपेक्षित लाभ आपको नहीं मिल रहा है, यह स्थिति आपके जीवन से समाप्त होगी। व्यापार में भी आपको लाभ मिलने वाला है। प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं तो इसमें आपको
सकारात्मकता दिखाई देगी। इन 15 दिनों की समयावधि में नौकरी में प्रमोशन जैसे भी आपको चांसेस मिल सकता है। उसके साथ साथ इन 15 दिनों में अगर आपके लिए धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के अष्टम भाव पर और बृहस्पति के कर्म भाव पर बलि होने की वजह से और बृहस्पति के राहु द्वारा पीड़ित होने की वजह से आपके जीवन में खर्चों में अनिश्चितता लगातार बनी हुई थी। आपके जीवन में खर्च लगातार हो रहा था और आर्थिक मामलों में आपको लगातार तकरार और समस्याएं हो रही थी। आर्थिक मामलों में आप प्रयास ज्यादा कर रहे थे लेकिन संतोषजनक आपको परिणाम नहीं मिल रहा था। दर्शकों, बुध ग्रह आपके राशि के द्वितीय भाव पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि आर्थिक मामलों के लिए विकास और धन के मामले में वृद्धि इन 15 दिनों में आपके जीवन में बनी रहने वाली है। बड़े धन लाभ की संभावना आपके जीवन में बन रही है। कर्क राशि के जातकों, यदि आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई भवन है, वाहन है, भूमि खरीदना चाहते हैं, उसमें भी आपको सकारात्मकता मिलेगी क्योंकि आपके फोर्थ हाउस से बुरे ग्रहों का, राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो चुका है। तो यहां पर यदि आप पूर्व समय से बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं, भवन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, पर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इससे आपको विशेष निजात मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आपके राशि के लिए परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, पारिवारिक संबंधों के मामले में समय आपके लिए मिला जुला है। द्वितीय और चतुर्थ भाव की जो स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए, चूंकि चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं और आपके द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टियां पड़ रही है, शनि आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं होते हैं, आपके लिए मारक होते हैं, तो पारिवारिक मामलों में जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ने वाली है, जिम्मेदारी बढ़ी रहेगी और परिवार के सदस्यों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी भी आपको दिखाई देगी, छोटे छोटे विवाद भी पनप सकते हैं। तो सितंबर के शुरुआती 15 दिनों में परिवार में अच्छा तालमेल बना रहे, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक संबंधों के मामले में जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध का विचार राशि के पंचम भाव से करते हैं और पंचम भाव के जो स्वामी हैं, मंगल हैं, वो काफी बेहतर स्थिति में हैं। तो यहां पर कहा जा सकता है कि यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं और यदि आपको बाधाएं मिल रही है, प्रेम जीवन में चुनौतियां मिल रही है, साथी के साथ आप बेहतर स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, देखिए मंगलदेव अच्छी कंडीशन में है, बेहतर कंडीशन में है, पंचमेश हैं, तो प्रेम जीवन में उत्साह को बढ़ाएंगे, भावनात्मक रूप से आपके मन में जुड़ाव बढ़ेगा और यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो इस समयावधि में घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ वैवाहिक संबंधों के मामले में यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, गुरु राहु का बना हुआ चांडाल योग आपके जीवन में काफी बुरा इफेक्ट आपको पहले से दे रहा था। अब राहु देव अपनी स्थिति में काफी नकारात्मक हो चुके हैं, राहु की जो नकारात्मकता है समाप्त तो हो चुकी है और आपकी राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव पर वक्री हैं, तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में काफी हद तक बेहतरीन संभावना निर्मित हो रही है। 18 तारीख से आपके प्रथम भाव पर शुक्रदेव उदित हो चुके हैं, 18 अगस्त से ही उदित हो चुके हैं और 4 सितंबर से शुक्रदेव मार्गी हो चुके हैं, यानी सितंबर के इन 15 दिनों का राशिफल हम आपको बता रहे हैं। तो 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो चुके हैं तो यह समय आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में बेहतर है। प्रियतम का यानी जीवन साथी का यदि आपको कम सहयोग मिल रहा था या वैवाहिक जीवन में तालमेल की खुशियों की कमी बनी हुई थी, इससे आपको निजात मिलने वाली है। रिश्तों में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां भी बढ़ने जा रही है। अब अगर आपके लिए इस समयावधि में सेहत के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए,
तो कर्क राशि वाले जातकों, राशि का जो सिक्स हाउस है सेहत के मामले में जिम्मेदार है। कर्क राशि वाले जातकों, राशि के सिक्स हाउस के स्वामी 4 सितंबर के पश्चात वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर काफी ज्यादा बली हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे और इनकी दृष्टियां भी आपके राशि के रोग भाव पर पड़ने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों, सेहत के मामले में यदि आपको गंभीर समस्याएं परेशान कर रही है और आंखों में जलन, हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पेट जनित प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या यदि आपको बनी हुई है, इन सभी चीजों से आपको निजात मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही समयावधि में प्रभावी होंगे, सितंबर के 4 तारीख से प्रभावी होंगे, तो यहां पर आपके जीवन में आप पाएंगे कि आपका सेहत धीरे धीरे करके बेहतर हो रहा है और आराम, यदि आपके अंदर आलस्य ज्यादा बढ़ रहा था, कार्य व्यवसाय में मन नहीं लग रहा था, यहां पर आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपका उत्साह भी बढ़ने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में इन दिनों में मिलने जा रहा है। अब यहां पर अगर आपके राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व दो विशेष सावधानियों के बारे में, दो विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा जैसा कि आपको पता है 2.5 दिनों में ही अपना राशि बदल लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, तो जीवन में कोई भी निर्णय ले रहे हैं उसमें को हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ बेहतर स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में यदि आप निर्मित करना चाहते हैं, तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को, चूंकि समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है, तो मेहनत पूर्वक आपको चलना चाहिए। किसी प्रकार का निराशा या आलस्य जैसी चीजों को यदि आप मन में लेकर चलेंगे तो इससे आपको काफी चुनौतियां भी मिल सकती है, इसलिए मेहनत पूर्वक चलें और रूपरेखा बनाकर जीवन में काम करें तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।